वाल्मीकि समाज के दो भाइयों की हत्या के बाद प्रशासन द्वारा आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा के बावजूद भी घरों पर नहीं चलाया बुलडोजर। नाराज परिजनों ने थाने के सामने किया चक्का जाम। आपको बता दें कि मामला पिछोर का है, जहां वाल्मीकि समाज के दो सगे भाइयों की हत्या वाल्मीकि समाज के एक पक्ष ने कर दी थी, जिस पर पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ धारा 302 और धारा 307 और विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, जिस पर नगर पालिका द्वारा आरोपियों के घरों पर अवैध मकान तोड़ने के नोटिस चस्पा किए गए थे। लेकिन नोटिस चस्पा होने के बाद भी आरोपियों के घर पर बुलडोजर नहीं चला है, जिससे नाराज परिजनों ने थाने के आगे चक्का जाम किया और पिछोर का पूरा बाजार बंद कराया। इस मामले में पिछोर एसडीएम दीनदयाल धाकड़ जी ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश जारी हुआ है और कई समाचार पत्रों में भी आया है कि जिस पर हम माननीय न्यायालय की अभिलाषा नहीं कर सकते, इस वजह से बुलडोजर वाली कार्रवाई नहीं की गई। संवाददाता सचिन राज भट्ट की रिपोर्ट। चार और मरेंगे, सागर, मनीष, रीका और वो पंकज, धीरज, नीरज, बल्ला, किशन, भोला, जो सब कह रहे हैं अबे और मरेंगे मोहल्ले में, और मरेंगे। अबे स्टेशन में डाल रहे साहब, मेरे 2 लाख चलेगा साहब, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, और जे डाल रहे साहब, मुझे न्याय मिलना चाहिए। उनके मकान चूके, उनको सजा मौत दी जाए साहब, उनके मकान चूकने चाहिए। जरा सी बच्ची मेरी बंद एक बहु बेटी मेरी साथ ये 2-1.5 महीना की बच्ची मेरी मुझे सरकार को क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन है। अच्छा पवन, आप सभी लोग इकट्ठे खड़े हैं, क्या है मामला? मेरे दो भाइयों की हत्या की गई है, अपराधी पकड़े नहीं गए, कल नोटिस जारी किए गए, कमरों पर चिपकाए गए, अभी तो आज 24 घंटे का वो दिया था, अभी तो कोई अधिकारी कोई नहीं आया यहाँ पे, ना कोई कार्रवाई ना कोई सुनवाई है। अच्छा काय के नोटिस चिपकाए थे? नोटिस मकानों के नोटिस चिपकाए थे कि मकान टूटे जाएंगे, बुलडोजर चला जाएगा, अभी तक कुछ कोई भी, और आप अधिकारियों से कह रहे हैं तो अनमन बातें कर रहे हैं, वो झूठ बातों घुमा रहे हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो आपको कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो मतलब आपको गुमराह किया गया? गुमराह किया जा रहा है हमारे लिए। कल कह दिया था कि तो मैं मेरे बाप की कसम, मेरे बच्चों की कसम है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, अब कोई कुछ भी नहीं कर रहा, फोन लगा रहा, एसडीएम साहब को फोन लगाया, फोन भी नहीं उठा रहे वो। अच्छा तो नोटिस चस्पा कर दिए गए थे? नोटिस चस्पा कर दिए तो सबके कमरों पे नोटिस चपका दिए, मकानों पे, और अब 8 बजे तक का समय दिया तो 8 बजे गए, अभी तक कोई नहीं आया। अच्छा कोई बुलडोजर नहीं चला? बुलडोजर आया ना कोई अधिकारी आया। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है? अन्याय हो रहा है, प्रशासन अन्याय कर रहा है हमारे साथ। सर ये वाल्मीकि समाज के दो लोगों की हत्या हुई थी, उस पर जो है ये आदेश नगर परिषद द्वारा निकाला गया था कि उनके घरों पर, आरोपियों के घर पर चस्पा कर दिया गया था कार्रवाई के लिए, तोड़ने के लिए, क्या कुछ नहीं हो पाया? आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय का के जो निर्देश हैं उसके क्रम में ना इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अच्छा सर, पहले नोटिस जारी हुए थे फिर उसके बाद कार्रवाई नहीं की? नोटिस जारी किए उस समय ऐसे कोई निर्देश प्राप्त नहीं थे, और चूँकि अभी आज फ्रंट पेज में सभी समाचार पत्रों में इस तरह का छपा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपराधियों पर जो मतलब वो हैं, किसी का कोई ऐसा क्राइम किया है बिना जांच की कार्रवाई नहीं करें, तो उसमें सीएम साहब ने मतलब जांच की है और नोटिस भी जारी किए थे, लेकिन वो चूँकि न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है इसलिए हम उसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। कोई अभी कोई और कोई कार्रवाई है ना बिना न्यायालय के आदेश के नहीं की जा सकती।